बच्चे जो है ना वो तैयार हो गया है और मैं भी साथ चलूं। क्यों अकेले जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। बेस्ट रखे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और अभी जी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है तो खुशी हो रही है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3-4 दिन गर्मी ने ऐसा कोई सटकार दिया है ना, 45 सेंटीग्रेड से नीचे आ नहीं रहा था टेम्परेचर ना। तो आज माशाल्लाह से मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ है, प्यारा सुहाना सा मौसम बना हुआ है और हमारे दिल से दुआ निकल रही है कि अल्लाह पाक हमें बारिश दे जोर शोर के, फिर मुजम्मिल और हम सब बच्चे जो है ना उसमें नहाए। हाँ कितने नहाते थे हम। अब दुआ करो ना जोर से, सारे मिलके दुआ करो बारिश आएगी इंशाल्लाह, की दुआ कबूल हो जाए। और हुरैन भी आई हुई है, हुरैन को भी नहलाया है। कैसी हो हुरैन फातिमा, ठीक हो? कंगी करो इसको, समाव कंगी करो छोटी बच्ची को। और ये अपनी दुनिया में मगन है जी, हमेशा की तरह खाने बन रहे हैं। अमन आपके लिए एक स्पेशल कमेंट्स आया है, इधर देखो, आपके लिए कमेंट्स आया है कि अमन से कहो कि अपनी गुड़िया की ड्रेस नहीं जो पूरी कराया करे, कपड़े पूरे पहनाया करे। देखिए असर की अजान हो गई है और मौसम देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो आज क्या बना रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक है, तबीयत सही है? अब चल तो रही हो ऐसे ना? चल चल रही है ना। हाँ सही है, एक ही जगह पे बैठ ना रहो फिर मुजम्मिल डरा दिया है मुझे। वो है उल्टी हो गई है, चलें जब खाना बनाते हैं और फिर आपको मौसम भी दिखाते हैं। देखिए जी मौसम, वाह जी वाह, हमारे गाँव की क्या ही बात है। ये स्पेशली दरख्त कितने प्यारे लगते हैं। गई, वो गई, वो सीधी गई। मेरे पीछे पड़े हुए हो आप गाड़ी लेकर, अमन ये हुरैन फातिमा के साथ मैच हो गई है, गड्डी कपड़ों के साथ मैच हो गई है। मैं जितना भी आपको कह लूँ ना कि बैठ जाओ, आपने नहीं बैठना, कोई ना कुछ करती रहती है। बनाओ ये देखे जी, जू तुरिया आ गए सारे को आज देसी से। हाँ देसी है ना, उधर से मंगवाई है, अबू ले आए हैं बाग से, तो हमने काट लिए हैं, दो भी लिए हैं, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। देखिए प्याज टमाटर सब कुछ। एक तो आग भी ना बुझ जाती है क्योंकि हवा चली हुई है ना काफी तेज इस वजह से। तो ये देखिए सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए। तो भाई अच्छी तरह से इसको भुनाई करेंगे तो फिर इसमें हम प्याज ये देखिए काटे हुए हैं और तुरिया भी। तो हम पहली दफा बना रहे हैं जब से आए हैं, तो लहसुन भूल गई थी मैं, लहसुन भी डाल रही हूँ। जब से आए हैं, जब से घर में आए हैं, जब से हाँ जब से आई है घर में। अभी नहीं बना रहे, पहले दफा बना रहे तूरी का साला। वैसे ये अच्छा बनता है क्योंकि गर्मी के हिसाब से ना ये सही है, ठंडी भी होती है फिर फायदा देती है तूरी का सालन। हाँ आज भी पानी लगाया हुआ है, ये देखें आज संडे था ना इस वजह से तो पानी लगाया हुआ है ज़मीन को, घास को, क्योंकि उधर तो पानी लगा लिया था ना फसल को लेकिन घास को नहीं लगाया था इस वजह से। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर और आज संडे था तो सब बच्चों के कपड़े वगैरह धोए हैं, यूनिफॉर्म वगैरह धोई है, सारे कपड़े वगैरह धोए हैं। और अक्सर ना हमारे गांव में ये होता है कि जब भी एतवार का दिन होता है ना उस दिन पानी की बारी होती है, मतलब सब अपने फसलों को पानी लगाते हैं क्योंकि उस दिन नहरी पानी भी आता है और ट्यूबवेल भी साथ चला के मिक्स करके फिर आता है पानी, तो फिर वो सही रहता है ना, फिर पानी लगाते हैं। और आज जो है ना नहरी पानी आया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका कलर कितना गंदा है, ये देखो ये इस कलर का होता है, ये नहरी पानी है, इसको हम कहते हैं मीठा पानी। ये जो पानी होता है ना ये फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा कारामद होता है क्योंकि ऐसे फसल जन अच्छी होती है क्योंकि ये मीठा पानी होता है, और जो ट्यूबवेल का होता है वो कड़वा होता है क्योंकि जहाँ जितने भी हमारे ट्यूबवेल लगे हुए हैं ना वो सारे कड़वे हैं क्योंकि ज़मीन से पानी कड़वा निकल रहा है इसलिए। तो ये आया हुआ है नहरी पानी, तो इस ये ना फसलों को लगाया है, ये होता है मुफ्त, मतलब कि हर हफ्ते की बारी होती है तो हर हफ्ते जो है ना मुफ्त ही पानी लगता है, जिनकी ज़मीनें होती है थोड़ी बहुत तो उनको नहर से ना मुफ्त ही मिलता है पानी ना, जिनकी करीब वाली नहर होती है, जबकि इस साइड पे एक नहर है और एक इस साइड पर नहर है, और इस साइड वाली जो नहर है ना यहाँ से हमें पानी नहीं मिलता,
जो इस साइड वाले ना वहाँ से हमें पानी मिलता है क्योंकि ये करीब हमारे पड़ते हैं इस वजह से। और ये देखें जी कपास देखो कितनी प्यारी प्यारी निकली हुई है, ये देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी कपास निकली हुई है। सारे कमेंट्स आते हैं जी सोनिया आप ना यहाँ बाहर पौधे लगाएं अंदर पौधे लगाएं, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है मौसम कुछ सही हो जाए तो इंशाल्लाह फिर ना यहाँ पे मैं पौधे लगाऊंगी। अभी कुछ जो है ना पौधे हमने निकाल लिए थे और अभी बाकी कुछ जो है वो रहते हैं तो इंशाल्लाह ये लाइन में सारे पौधे लगाएंगे। और ये पहला साल है हमारा हमारे कीकर की लकड़ियाँ नहीं बनी, वरना हर साल हम कीकर की लकड़ियाँ जो है ना तोड़ देते और हमारी लकड़ियाँ जो है ना घर के लिए बन जाती थी, लेकिन इस साल पता नहीं क्या हुआ है कि इतने ज़्यादा इनकी लकड़ियाँ नहीं बनी, छोटे छोटे हैं अभी तो इसलिए फिर नहीं हुई लकड़ियाँ ना। तो इंशाल्लाह ये यहाँ से लेकर ना यहाँ से ये सारी लाइन पर ये दरख्त लगाएंगे और इधर भी सारे दरख्त लगाएंगे। और वो देखिए भैंसी आई हैं दो तीन चरने के लिए घास के अंदर। तो ये होता है कि हम इसलिए बाज़ दफ़ा पौधे नहीं लगाते, दूसरे तो पौधे लगा लेंगे गमले वगैरह जो मिलते हैं वो तो लगा लेंगे, दरख्त इसलिए नहीं लगाते घर के सीन के अंदर। एक तो वो ना जब मतलब कि पतझड़ की मौसम आती है ना तो वो ना फिर सारा सीन में गंद हो जाता है तो इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने अम्मी से कहा है हमारे घर की जो बैक साइड है ना जहाँ गेट वाली जगह है वहाँ पे एक दरख्त जरूर होना चाहिए। हाँ जी आए हुए चलने के लिए यहाँ पे, चलो अंदर चले। हाँ चलो खाना बनाना है, खाना बनाना है। मेरा ना पहले वाला तरीका आ गया है मतलब के कहाँ से लिया है पानी बनाने गया थे। अच्छा पानी जो है छत के ये कैसा पक्का है, ये तो निकल रहा है नीचे। अच्छा ये ऐसे अब यहाँ से करना है, चलाओ इसको गिर गया। नीचे गिर गया तो वो चल तो नहीं रहा आपका पंखा ना। तो अब मैं जैसे मैं पहले बनाती थी ना वीडियो मतलब दो तीन दिन मैं ना क्लिप बनाती थी छोटे छोटे फिर उनको एडिट करती थी, तो फिर मैंने अभी यही सोचा हुआ है कि एक दिन में बंदा व्लॉग बनाए ना तो वो एक तो अच्छा नहीं बनता, दूसरा ये कि गर्मी होती है और एक दिन में बंदा बना भी नहीं सकता। दूसरा तीसरा दिन है मेरे ये व्लॉग इकट्ठा करके मैं जब एडिट करूँगी ना तो दो तीन दिन का व्लॉग इकट्ठा होगा तो इसलिए आसानी हो जाती है बंदा जैसे मतलब कि मोबाइल उठाता है तो जो भी चीज़ बनानी होती है जल्दी जल्दी बंदा उस चीज़ को दिखा लेता है बना लेता है वो क्लिप वो फिर रख लेता है वो फिर जब वीडियो नहीं होती तो उसमें ऐड करके ना एडिट करके ना तो फिर अपलोड कर लेते हैं। तो मैंने यही सोचा कि आप ऐसे ही करूँगी। मौसम कुछ बेहतर था आज ना क्योंकि हवा चली हुई इतनी इस वजह से। चाय किसने बनाई हुई है वही दूसरी पहले वाली पड़ी हुई थी। अच्छा ये देखें जी सारे कपड़े धुले हुए हैं और अमन जो है वो गुड़िया के साथ खेल रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं। इतना जल्दी आज खाना बना रही हो? दोपहर का बना रही हो? अच्छा वालेकुम सलाम। चाय ये आपका खराब है किसी काम का भी नहीं है। इलू देख और अबू जी जो है नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं मेरे इस व्लॉग में ना तकरीबन पता नहीं कितनी दफा इन्होंने सलाम किया, इनको पता नहीं है कि मैं व्लॉग कौन सा बना रही हूँ ठीक है ना। एमन समावे मुजम्मिल सब ने लैबने भी कितनी दफा इसमें ना सलाम किया है, लेकिन अच्छी बात है ना मतलब कि पहले जब हम वीडियो में नहीं आते थे ना तो अब ना हमारे घर में हमारी फैमिली में ना किसी को सलाम करने का भी पता नहीं था कि हम सलाम किसी को करना या नहीं करना, लेकिन जब से हम ना यूट्यूब पर आए ना तो सबको सलाम करने का भी पता चल गया कि सलाम करना होता है इस तरह से ना। तो ये ना बड़ी अच्छा हो गया कि अच्छी बात है मतलब कि जैसे जब भी किसी भी टाइम इंसान को कोई भी मिले ना उस वक्त सलाम करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी आदत होती है सलाम करते हैं। अच्छा अच्छा ये ऐसे घूम के जाता है खत्म हो गई चाय, खत्म हो गई है। मैं मुझे नहीं देनी थी चाय, वो गैस मैंने जोर से फटक दी थी चाय, वो खत्म हो गई है। ऐसा लगता है फटक रहा है, फटक रहा है। ठंडी सी चाय में से की भी नहीं है, खत्म हो गई अब तो फिर दूसरी बना लेंगे। अच्छा। शाम को खाना के बाद। अच्छा चलो अम्मी मैं कुछ भी नहीं कर सकती ठीक है ना। तो ओके सोनिया आप अम्मी को काम ना करने दे, मैं इतना रोकती हूँ अम्मी को कि अम्मी आप काम ना क्या कर घर के, हम खुद कर लेंगे इतनी हम समाव्या है लहबा है मैं हूँ, लेकिन अम्मी कहती कि नहीं मैंने खुद ही करना है सारा काम ना। उधर बैठो ना चार पाई पर बैठ जाओ, हम काम कर लेंगे। अम्मी कहती मैं कैसे ऐसे निकम्मी बैठी हूँ, कोई ना कोई काम करती रहती है इसीलिए। जैसे आप कूट रही हो ना ये सुबह तक कूटेगा क्यों इतना आस्ता आस्ता कूट रही है, जोर तरह का वैसे कर सकता हूँ। नीचे गिर जाएगा
जोर लगाओ, जोर जोर लगाओ ना। कूली चीज थोड़ी है, नन्ही की तरीके नहीं। वो मुंगरी ले आते हैं। क्या कहते हैं सराय उर्दू में? कटोरी। कटोरी भूल गई हूँ, वो सामने पड़ी हुई है। आज जो है ना संडे है, आपको पता है आज बच्चों को छुट्टी है, और आज बच्चों ने प्लान किया है कि आज हम ना अपनी फूफो के घर जाते हैं मिलने के लिए, जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनके पास जा रहे हैं। तीनों बच्चे, मुजम्मिल भी जा रहा है और भाई भी जा रहे हैं, रेडी हो गया है जाने के लिए। मुजम्मिल भी रेडी हो गया है और भाई ने व्हाइट सूट पहना हुआ है, क्या बात है। और अमन भी रेडी हो गई है, गुड़िया तो कल से आई हुई है हमारे पास। तैयार हो गए तो फिर कब तक, शाम तक आओगे वापस? पता नहीं, जाए घंटे में आ जाएंगे, अभी अभी आ जाओगे। चलो जाओ फिर, देर हो रही है। तो अभी बच्चे जो है ना वो तैयार हो गया है, और मैं भी साथ चलूं? क्यों अकेले जाओ ना, पहले मैं एक दफा गई हूँ ना आपके साथ, अभी आप जाओ फिर मैं आऊंगी। उधर जाने का दिल नहीं करता उस साइड पर, इसलिए चलो बैठो। जगह कैसे बनेगी सबकी? भाई आप आगे हो जाओ थोड़ा सा ना। अब मोटा है। मोटा है। अल्लाह हाफिज। पंखा अंदर लेकर जा रहे हो, गर्मी है, धूप निकली है बहुत तेज, आज बहुत काम था ऐसे। ईंटें उतारनी पड़ी हैं। ईंटें आई हुई हैं? ईंटें आई हुई हैं। जो ऊपर छत का हमने पर्दा बनवाना है ना, उसके लिए जो ईंटें हमने मंगवानी थी वो ईंटें अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं, और टाइल भी आ गई है। तो इंशाल्लाह दो तीन दिन तक ना मिस्त्री आ जाएंगे, हमने ठेका दिया हुआ है तो ठेके पर काम कराएंगे वो जल्दी का। टाइल भी आई हुई है, और इसके अलावा ये देखिए ये ईंटें सारी, ये देखिए ईंटें भी आई हुई हैं। तो अब बस सीमेंट रहती है वो, सीमेंट जो है ना वो इंशाल्लाह सुबह या शाम तक सीमेंट भी आ जाएगी। रेत तो वैसे ऑलरेडी हमारी आई हुई है, तो इंशाल्लाह पर्दे का जो ऊपर छत का काम है ना वो सबसे पहले हमने करवाना है। दूसरा दिन है जो बिस्तरी आ रहे थे हमारे बाथरूम के, वो उन्होंने छुट्टी की हुई है, पता नहीं कहाँ चले गए, आज भी नहीं इतना काम करके ना वो चले गए, अंदर से फिटिंग वगैरह करनी थी, बाकी तो काम हो गए। और ये वाला जो है ना नीचे फर्श भी लगाना था, तो अभी ये थोड़ा सा ना काम रहता था अंदर से ना, देखिए इधर का मोड लगाना है तो वो भी अभी तक नहीं लगा। और ये ऊपर दीवार ऊपर करनी है, और यहाँ पीछे जो है ना हमने वो निकालनी है विंडो इसकी बाथरूम की, ये हम भूल गए थे उस वक्त, पता नहीं चला मिस्त्री ने भी नहीं बताया हमें, तो इसलिए अब जो है ना दोबारा इसकी कहते हैं कि निकाल देंगे हम, क्योंकि अंदर बदबू वगैरह हो जाती है बाथरूम में, आपको पता है हवादार होना चाहिए ना, तो इसलिए एक यहाँ से निकालेंगे इसकी, और इसकी भी दोनों की निकालेंगे विंडो ना। और ये बेसन के लिए ये जगह जो यहाँ पर बेसन लग जाएगा, और ये सारा जो है यहाँ से हमने तोड़ देना है ये सारी। तो ये दीवार भी दोबारा डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए ये दीवार सारी ख़राब हो गई है, तो इसको दोबारा तोड़ के ना दोबारा इसकी ना दीवार बनाएंगे। और अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि पर्दा बनेगा तो तभी हम ना ये सोलर पैनल जो है ऊपर रख सकते हैं छत पर, वरना ये इसका ना गिरने का खतरा होता है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं, मतलब कि एक हफ्ते में या 10 दिनों में या एक हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे तो पर्दे का काम जो है ना वो हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ना बाकी सारा हमारा सामान आ गया है इसका सोलर का, तो इंशाल्लाह फिर फैन सेट करेंगे ऊपर, तो तभी हम एसी चला सकते हैं, वरना अभी तक हमने एसी नहीं चलाया क्योंकि आपको पता है बिल ज़्यादा आता है, तो फ़ायदा नहीं है। फिर हमने कहा चलो कोई मसला नहीं है, एक हफ्ता वेट कर रहे थे। वैसे भी हमने पूरी ज़िंदगी हमारा तो वो वक्त भी गुजरा है जब मतलब कि हमारे पास लाइट भी नहीं होती थी इस एरिए में ना, इधर लाइट के बगैर हम रहते थे यहाँ पे, आप यकीन नहीं करेंगे हमारे पास लाइट तक नहीं होती थी। अब तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी है, तो सारी सहूलतें आ गई हैं ना, तो अब अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। तो अभी बच्चे गए हैं तो इंशाल्लाह एक दो घंटे तक वो वापस आ जाएंगे। और लैबा जो है ना बाहर बैठी हुई, लैबा कह रही थी मैंने भी चलना है, लेकिन बाइक पर ना जगह नहीं थी, गुड़ आई हुई थी ना। तो बच्चे अब चले गए हैं, वो आ जाएंगे फिर आप चले जाना। और कल शाम को ना परसों वाले दिन शाम को भी मौसम सही था, कल भी शाम को सही था, और आज सुबह सुबह मतलब कि दिन के टाइम धूप निकलती है, हवा चली हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, वैसे हमें तो इतनी महसूस नहीं हो रही। पिछले 2-3 दिनों में ना काफ़ी गर्मी है, रात को भी आंधी आ गई थी ना। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाना भी नहीं है वैसे घर भी। अच्छा नहीं जाना? आप ही आके मिल लेती बस। अच्छा चलो, हवा आज चली हुई है ऊपर ना। अच्छा चलो अच्छी बात है, लैबी दुआ करो, लैबी हम इसको लैबी कहते हैं,
लैबी, अब लाइबा ज्यादातर हम लाइबा बोलते हैं, पहले लैबी कहते जो बुलाते हैं ना सब पहले, मतलब कि मेरा जो घर में आम रूटीन में वैसे कोई ऐसी बात हो तो बुलाते ना, जैसे मेरे भाई ज्यादातर मेरे भाई, बाकी सब जो ना सोनिया कहते हैं, मतलब मेरी अम्मी अबू सब भाई सोनिया कहते हैं, मेरी बड़ी सिस्टर भी, लेकिन मेरे जो भाई है ना वो हमेशा मुझे सोनी कहते हैं प्यार से ना। तो हर वक्त ना मुझे मतलब कि सोनी सोनी, आप लोग ये भी कह रहे थे कि सोनिया आपके जो बच्चे हैं ये भाई के जो बच्चे हैं तो ये आप इनकी पप्पो लगते हो तो आप ही क्यों बुलाते हैं। असल में उस वक्त ना जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना तब मैं छोटी थी उस वक्त ना, तो इसलिए ये पैदा हो गए थे तो पप्पो कहते थे कि आप छोटी हो तो हम आपको पप्पो कैसे कहें। अब तो खैर बड़ी हो गई हूँ अब तो कह सकते हैं, लेकिन फिर आप जैसे जैसे आदत बनी है ना मुजम्मल की, ऐमन की, समावे अभी भी मुझे सोनिया कहती है तो वो ना उनकी आदत बनी आप ही कहने की, तो उनके मुँह में ना हमेशा आप ही आते हैं, ऐमन भी आप ही बुलाती है, मुजम्मल भी आप ही बुलाते हैं, तो आपकी तो आप ही लगती है, आपका तो हाथ बनता है आप ही कहना। और भैया को नदीम को नदीम नहीं बुलाना चाहिए, भैया बुलाना चाहिए। हाँ वो तो हमारे भाई हैं, हम तो भाई। तो आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में हमें जरूर याद रखना है, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।